चेन। क्या चेन? क्या चेन छुड़वा लिया और दे दिया तेरी आई को? अभी भी यकीन नहीं है तो फोन मिला ले और पूछ ले तेरी आई को, इधर ही खड़ा है मैं। तुम मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनेगा मैं? आराम से बोल, बाबा सुनेगा ना बुरा लगेगा उसको। शुरगा का ना 20 साल से जानते हैं बाबा को, अब जरूरत के टाइम पे बाबा मदद नहीं कर पाया ना किशोर काका की, इतना दुख हुआ रहेगा ना उसको, मेरे को मालूम है। दूसरे जो बाबा लोग होते हैं ना, जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी करते हैं तो दुनिया को गिनाते हैं, मैं आज मेरे बेटे के लिए ये किया है, मैं आज मेरे बेटे के लिए वो किया है, मेरा बाबा उनमें से हिच नहीं, देव मानुष है। मैं कभी तकलीफ नहीं देगा अपने बाबा को, ये जो कुछ भी किया है ना मैं अपने बाबा के लिए किया है। तुम ये बात मुझे तो बता सकते थे ना। तेरे को काहे को बताएगा मैं, तेरे को बताने का कुछ जरूरत है क्या? वैसे भी गले का बोझ बन के बैठी है तू इधर। चेन 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 करके जिंदगी का सुख चेन छीन लिया तूने। 2 तोले का चेन था, 2 तोले का, गले में भार ना 200 किलो का था, ये तो हालत कर डाली थी तूने, तेरे को बोलेगा मैं? वाह उम्मीदें बहुत थी। देख रोशन, मैं तुझे अब काफी दिनों से जानती हूँ, तू एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे घर परिवार का हिस्सा बन जाए। मुझे एक बहू नहीं बेटी चाहिए, तू मेरे घर में बेटी बन के आ जा, मैं तेरा खूब ख्याल रखूंगा। अरे तू इधर कैसे? वो अपने दुकान वाले मंदिर में नहीं गई? अरे वो मैं यहाँ पे फूलों की डिलीवरी देने आई थी और फिर ताई ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने आपको गलत समझा था और आपसे लड़ाई की थी ना, तो उसकी वजह से ताई को बुरा लग रहा था, तो वो यहाँ पे पप्पा को सॉरी बोलने आई थी। पप्पा को सॉरी बोलने आई थी, ये अच्छे थप्पड़ मेरे को मारो, बर्फ पट्टी की दरोर करो, इतना ही था तो मेरे को आके सॉरी बोलती ना। अली फोकट भगवान को काय को परेशान कर रही है? ए गणपति बप्पा, इमरजेंसी में जो लोग सोना गिरवी रखते हैं ना उनकी रक्षा करना। चलता है मैं जो देखता है ये जो तुझे छेड़ कर गया। ये क्या कर रही है मेरे शर्ट के साथ? वो तुम्हारे शर्ट की बटन लूज हो गए थे ना, तो बस उसे ही सी। अच्छा ऐसा है क्या? पर मेरे को तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो ना तो उसे माफ कर देना चाहिए, बार बार सुनाना नहीं चाहिए। माफी? माफ करने के लिए ना इंसान माफी मांगना चाहिए। तू मेरे को सॉरी तक बोली क्या? पर नहीं, तेरे को तो लगता है तूने जाके पप्पा से माफी मांग ली तो तूने मेरे से माफी मांग ली, बरोबर? सॉरी वोरी बोलने के लिए जबान चलती नहीं है, फालतू बकवास करा लो बस। सही कहा, फालतू बातें करने में माहिर जो हो गई वो क्या है ना, संगत का असर जो है, फालतू बातें सुनूंगी तो फालतू जवाब ही मिलेंगे। पकर पकर कर रही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।